हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है ये है हमारी टाटा की एल्ट्रोज 2020 का ये मॉडल है BS6 और 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड 1.2 लीटर्स का इसका इंजन आता है। आज हमने इसमें लगाई है CNG, तो मैं आपको दिखा देता हूँ CNG के क्या क्या पार्ट्स गाड़ी में कहाँ कहाँ इंस्टॉल किए गए हैं और उन पार्ट्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी के इंजन बे से। तो ये है हमारा एल्ट्रोज का इंजन बे और सबसे आगे आप देख सकते हैं ये है हमारा फिलिंग वॉल्व, इसी के थ्रू हम गाड़ी में गैस फिल कराते हैं। इधर आ जाएं तो ये हमारा रिड्यूसर है। रिड्यूसर काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग यूजेबल प्रेशर में कन्वर्ट करना। ये हमारा गेज है, गेज का काम होता है जो हमारा स्विच लगा होता है गाड़ी के अंदर CNG का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में अभी कितनी गैस है और आपको कब नेक्स्ट रिफिल कराना है। इधर आ जाएं तो ये हमारा मैप सेंसर CNG सिस्टम का। ये है हमारे इंजेक्टर रेल्स। रेल्स का काम होता है इंजन में इंडिविजुअली गैस को पंप करना ताकि बहुत स्मूथ एक्सेलरेशन और परफॉर्मेंस मिले। ये 3 सिलेंडर गाड़ी है तो 3 ही इसके पोर्ट्स एक्टिव है, एक पोर्ट ये वाला फ्री है। इफ़ इन केस कभी खुदा ना खास्ता एक ख़राब हो जाए तो ये 4th वाला यूज़ किया जा सकता है। और इधर आ जाए तो ये है हमारा CNG सिस्टम का ECU, बेसिकली माइंड भी कहते हैं हम इसे। सारे कमांड्स जितने भी होते हैं ये ECU से ही जाते हैं सारे पार्ट्स में जिस टाइम CNG पे होती है गाड़ी। तो आप देख सकते हैं किस तरह की इंस्टॉलेशन है। और इस गाड़ी में एडवांसर कंपैटिबल नहीं है तो एडवांसर नहीं लगाया गया है। मैं मानता हूँ, मैं हमेशा एडवांसर को प्रमोट करता हूँ कि एडवांसर ज़रूर होना चाहिए, बट ड्यू टू कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ इस गाड़ी में एडवांसर नहीं इंस्टॉल्ड है। क्योंकि हम अगर इसमें एडवांसर इंस्टॉल करते हैं तो गाड़ी मिसबिहेव करती है, चेक इंजन लाइट आ जाती है, जर्किंग आ जाती है, सर्विस लाइट ऑन हो जाती है, तो इसमें इसलिए हम एडवांसर इंस्टॉल नहीं करते हैं। तो इस गाड़ी की ट्यूनिंग बहुत प्रिसाइसली की गई है कि एडवांसर की कमी उतनी महसूस ना हो। देखिए महसूस तो होगी, एडवांसर का एक अपना ही मज़ा होता है, मगर जितनी प्रिसाइसली ट्यूनिंग की जाएगी तो जो CNG का लैग है वो महसूस कम से कम होगा। तो ये हो गई हमारी इंस्टॉलेशन। अब मैं आपको गाड़ी के अंदर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ CNG का स्विच और उसके फंक्शंस। तो अब हम आ गए गाड़ी के अंदर। अब आप देखिए कि स्विच कहाँ है, ना इधर है ना इधर है। तो सर ने हमारे जो है स्विच लगाया है यहाँ, यहाँ छुड़वा दिया कि भाई इसे नीचे ही रहने दो, मुझे ऊपर कहीं नहीं चाहिए, मैं अपने आप देख लूँगा कैसे क्या करना है। तो अब मैं गाड़ी को एक बार स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये गाड़ी अब हमारी हो गई स्टार्ट। गाड़ी अभी हमारी है पेट्रोल पे और जब ये ग्रीन लाइट ब्लिंक होना बंद हो जाएगी तो गाड़ी हमारी ऑटोमेटिकली CNG पे कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये गाड़ी हमारी अब CNG पे कन्वर्ट हो गई है। और जब भी आप किसी लंबे सफ़र पे होंगे और आपकी CNG कभी ख़त्म हो जाती है तो आपकी गाड़ी ना बंद होगी ना रुकेगी, अपने आप पेट्रोल पे कन्वर्ट हो जाएगी। इस स्विच में एक बज़र बजेगा, बस उस बज़र को बंद करने के लिए आपको इस स्विच दबाना है और जब आप नेक्स्ट रिफिल कराएंगे CNG का तो फिर दोबारा दबाना है, तो गाड़ी आपकी CNG पे आ जाएगी। तो ये है हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एल्ट्रोज का और आप देख सकते हैं कोई फ्लक्चुएशन नहीं है RPM में, एकदम स्टेबल है RPM। और AC अभी इस टाइम हमारा ऑन है तो मैं आपको एक बार AC ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। ये मैंने AC ऑफ कर दिया, RPM अभी भी एकदम स्टेबल है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। अब मैंने एक बार ऑन कर दिया, RPM अभी भी एकदम स्टेबल है। अगर आपका RPM ऑन ऑफ होने पे हल्का सा ऊपर या हल्का सा नीचे होता है तो वो एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि इंजन पे कंप्रेसर का लोड पड़ता है और हटता है जब ऑन ऑफ होता है, तो वो एक नॉर्मल बिहेवियर है गाड़ी का, वो पेट्रोल और गैस दोनों पे ही होता है। अगर आपका RPM हर वक्त ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हर टाइम हो रहा है तो आपको गाड़ी चेक कराने की ज़रूरत है, बट हाँ वो भी सॉल्व हो जाता है ट्यूनिंग के थ्रू। तो अब मैं आपको गाड़ी का एक बार बूट स्पेस दिखा देता हूँ और दिखा देता हूँ कि गाड़ी में कितना लगेज स्पेस बचता है CNG का सिलेंडर इंस्टॉल हो जाने के बाद। तो ये है हमारा CNG का सिलेंडर, 12 किलो का इसमें सिलेंडर इंस्टॉल किया गया है और आप देख सकते हैं कितना स्पेस बचता है इस गाड़ी में। और स्टेपनी जो है इसकी अपनी ही जगह पे रहती है तो अच्छा खासा स्पेस निकल के आ जाता है इस गाड़ी में। इस सेगमेंट की गाड़ी में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस CNG लगने के बाद एल्ट्रोज में ही मिलता है। तो अब हम चलते हैं गाड़ी की एक ड्राइव पे और गाड़ी के ओनर से पूछते हैं कि उनकी गाड़ी CNG लगने के बाद कैसा परफॉर्म कर रही है।
तो सर हमने आपकी आज एल्ट्रॉज में सीएनजी इंस्टॉल की है, आपको हमारे काम की क्वालिटी कैसी लगी? काम की क्वालिटी बहुत बढ़िया थी, फिनिशिंग खासकर मुझे बहुत पसंद आई जी, और एक एक पार्ट जो जहाँ फिट होने चाहिए उस हिसाब से हमने बहुत जबरदस्त बढ़िया काम किया। और अब आपकी गाड़ी परफॉर्म कैसा कर रही है? गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और मुझे स्टार्टिंग में फ्रेंकली बताऊँ तो मुझे लग रहा था शायद कब का फ़र्क आएगा, बट मुझे ऐसा सपना हो अभी तो मुझे ऐसा कुछ फ़र्क लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मतलब ठीक है इतना तो एक्सेप्टेबल है। हाँ इतना तो मैनेज करना पड़ेगा, सीएनजी में कन्वर्ट कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो मैनेज करना ही पड़ता है। बिल्कुल सर, तो ठीक है सर, हमारे सैटिस्फाइड हैं एज ऑफ नाउ, फर्स्ट क्लास तो सर हमारे सैटिस्फाइड हैं। और मैं सभी लोगों से कहता हूँ कि भाई स्विच टू सीएनजी, फ्यूल कॉस्ट बहुत बढ़ गई हैं और आगे मेरे ख्याल से अभी और बढ़ेगी, यहाँ रुकेगी नहीं है जो ये पेट्रोल के रेट्स बढ़ रहे हैं, तो यू कैन स्विच टू सीएनजी। आप अब सर की हमारी ब्रांड न्यू गाड़ी है, उन्होंने सीएनजी पे स्विच कर दिया क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी रनिंग ज़्यादा है और पेट्रोल पे पैसा खर्च करके कोई फ़ायदा नहीं है, या तो कुछ फ़ायदा हो रहा तो बंदा पेट्रोल यूज़ करे, तो आप सीएनजी लगाएं, अपना हार्ड अर्न मनी बचाएं अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और जहाँ तक की बात ब्रांड्स की है कि भाई टाटा की गाड़ी है तो कौन सा ब्रांड चूज़ करना चाहिए, यू कैन गो फॉर एनी ब्रांड, जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड ब्रांड है आप उसके लिए जा सकते हैं। बस मेक श्योर कि जो आपका इंस्टॉलर है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि गाड़ी के इन एंड आउट्स क्या हैं, उसे किस तरह से इंस्टॉलेशन करनी है, एकदम नीट एंड क्लीन सेटअप होना चाहिए, तो आपकी गाड़ी सीएनजी पे बहुत बढ़िया चलेगी। आप लोग ब्रांड्स के पीछे ना भागे कि भाई उसकी मेरे दोस्त की उस गाड़ी में ये ब्रांड है तो मैं वही लगाऊं या वो ब्रांड है वो लगाऊं, तो उसके पीछे भाग के कोई फ़ायदा नहीं है। और इस वजह से लोग भी बहुत नाराज़ होते हैं मुझसे कि मैं कोई ब्रांड सजेस्ट नहीं करता, तो रीज़न यही है कि मैं ब्रांड सजेस्ट कर दूंगा, आप सोचोगे यार ये ब्रांड बढ़िया है और आप ब्रांड के पीछे भागोगे इंस्टॉलर को भूल जाओगे, कल को गाड़ी आपकी गड़बड़ चलेगी तो आप उस बंदे को भूल जाओगे, मेरे पीछे लग जाओगे कि जुबी ने गलत सजेशन दे दिया। तो लुक फॉर अ गुड इंस्टॉलर फर्स्ट, वो जो आपको सजेस्ट करे ब्रांड, बस मेक श्योर कि जो ब्रांड हो वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो और आपका जो इंस्टॉलेशन की क्वालिटी हो वो एक नंबर हो, जो पार्ट्स यूज़ हो रहे हो वो सब जेन्युइन हो, तो आपकी गाड़ी सीएनजी पे बहुत बढ़िया चलेगी, कोई इशू नहीं आएगा। इवन मैं तो जो भी जिनके पास भी एल्ट्रोज है मैं तो सजेशन दूंगा गो फॉर सीएनजी। इवन एडवांसर की भी रीड नहीं है, मुझे लगा था एडवांसर जरूरत पड़ेगी लेकिन बिल्कुल फर्स्ट क्लास पिकअप में चला रहा हूँ, बढ़िया पिकअप है। पर सर अगर एडवांसर लग जाता तो गोली हो जाती है, एडवांसर लगता तो बात ही अलग हो जाती है, बट कंपैटिबिलिटी इश्यूज है, तो जो उसकी चीज का लगा कोई फायदा है नहीं। जी तो आप सिटी मोड में चलाइए, मस्त चलेगा। तो सर हमारे सैटिस्फाइड है फिर से, तो आप लोग भी सीएनजी लगाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं देर सवेर आपको जवाब जरूर दूंगा, देरी के लिए माफी अभी से ही देते हैं, जवाब देता हूँ पर थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि मेरे पास बहुत क्वेरीज आती हैं, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा देरी के लिए। तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं जरूर देर सवेर आपको जवाब दूंगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मैं चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।